बच्चों स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती में आज हम करने वाले हैं रिवीजन। कौन कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 9 to 13। रिवीजन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, आपको वहाँ पे हेडिंग भी डालना है रिवीजन, और यहाँ पे लिखना है चैप्टर नंबर 9 to 13। हम कौन कौन से चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं? चैप्टर 9 to 13। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आपको डालना है नीचे नी खाली जगह पूरो, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लैंक का। नंबर 1 अहीं आपनो ब्लैंक जोखम में छे, यहाँ पे आपको शब्द बीच में एक नहीं दिया है और वहाँ पे ब्लैंक दी है, तो उसमें आपको सही शब्द लिखना है और ये जो पूरा सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। अहीं आपनो ब्लैंक जोखम में छे, ये शब्द, ये जो सेंटेंस है वो कौन बोल रहा है? हाल नाम की जो मछली है, फिश है, वो इस तरह से बोलती है कि अहीं आपनो जीव जोखम में छे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जीव। नंबर 2, दिवाली ब्लैंक मास में आवे छे, दीपावली का जो त्यौहार होता है वो कौन से महीने में आता है? आसो। यहाँ पे आपको गुजराती मंथ लिखना है, कौन से मंथ में आता है? आसो। नंबर 3, ब्लैंक ना दिवसे कालिका माता नु पूजन थाय छे, तो आंसर आएगा काली चौदस। काली चौदस ना दिवसे कालिका माता नु पूजन थाय छे, तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है काली चौदस। नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। नंबर 4 देखते हैं, दिवाली नो त्यौहार ब्लैंक दिवस चाले छे, दिवाली नो जो त्यौहार हमें कितने दिन मनाते हैं? हम 5 दिवस। दीपावली का जो त्यौहार होता है हम 5 दिन मनाते हैं, तो वो आपने चैप्टर में सीखा होगा कि कौन कौन से 5 दिन चलता है दीपावली का त्यौहार। सबसे पहले धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, बेस्तू वर्ष अने भाई बीज, ये जो 5 दिन है वो दीपावली का त्यौहार चलता है। नंबर 5, एक व्यापारी ए पोताना खिस्सा में सोना ने ब्लैंक संताड़ी, एक जो व्यापारी होता है वो अपनी जेब में क्या छुपा देता है? जो सोने की चम्मच थी वो, तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है चमची, सोना ने चमची संताड़ी। नंबर 6, तो यहाँ पे आंसर आता है चमची। नंबर 6, कोठार में ब्लैंक भरेलू हो तो, कोठार यानी कि गोडाउन, गोडाउन में क्या भरा हुआ था? अनाज, कोठार में अनाज भरेलू हो तो। नंबर 7, उंदर ने ब्लैंक पूछड़ी होती, ये हमने चैप्टर में देखा कि उंदर को कितनी पूछड़ी यानी कि टेल कितनी थी? 7, 7 यानी कि 7, यहाँ पे हमें 7 लिखना है। नंबर 8, श्रीमंत व्यापारी ये भव्य ब्लैंक नु आयोजन करियो, श्रीमंत यानी कि पैसे वाला जो व्यापारी था उसने क्या आयोजन किया था? उसने मिजबानी यानी कि पार्टी का आयोजन किया था, यहाँ पे हमें आंसर लिखना है मिजबानी। मिजबानी का मतलब होता है पार्टी। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि खाली जगह कंप्लीट करनी थी वो हमने 1 से लेके 8 तक कंप्लीट कर ली, वो आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे इस तरह से हेडिंग डालना है क्वेश्चन नंबर 2 का, नीचेना विधानों खरा छे के खोटा ते लखो, ये सेंटेंस यहाँ पे है उसे विधान कहते हैं, जो सेंटेंस है वो आपको देखना है कि सही है कि गलत है, और यहाँ पे साइन भी करनी है ट्रू और या तो फॉल्स की। नंबर 1, कोठार में घास भरेलू होतु, अब हमने आगे ब्लैंक में देख लिया कि कोठार में अनाज भरेलू होतु, घास का मतलब होता है ग्रास और अनाज का मतलब होता है कौन, क्या भरा हुआ था? अनाज, तो यहाँ पे घास जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे जो क्रॉस की साइन है वो बनाएंगे, यानी कि ये सेंटेंस है वो, ये जो विधान है वो फॉल्स है, यानी कि हमें यहाँ पे इस तरह से साइन बनाए। नंबर 2, निशाळना उंदरो तेनी साथे रमवा लाग्या, ये जो 7 टेल वाला यानी कि 7 पूछड़ियों जो उंदर था वो जब स्कूल में जाता है तो सारे जो दूसरे उंदर थे वो उसके साथ खेलने लगते हैं, इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस दिया है, तो ये है गलत, क्योंकि जो सारे जो उंदर थे तो वो उसके साथ खेलते नहीं थे, वो क्या करते थे? उसके साथ उसको चिढ़ाते थे, उसको गुस्सा दिलाते थे, तो यहाँ पे हमें क्रॉस की साइन बनाती है, वो सारे चूहे थे वो उसके साथ खेलते नहीं थे। नंबर 3, कौमुदी ये कागज़ पर त्रिकोण दौड़ियो, त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल, कौमुदी नाम की जो लड़की थी वो पेपर पर ट्राइंगल दौड़ती है, ये सही है कि
गलत है, तो हमें यहाँ पे लिखना है गलत, क्योंकि वो स्क्वायर बना रही थी यानी कि चौरस बना रही थी, यहाँ पे ये सेंटेंस है वो गलत है। नंबर फोर, त्रीजा बच्चा ने कुत्रो खाए गयो, जो चूहे का जो तीसरा बच्चा था उसे कौन खा जाता है, कुत्ता यानी कि डॉग खा जाता है, तो ये भी गलत है, उसको बिल्ली है वो खा जाती है। नंबर फाइव, माँ उंदर ने पूछड़ी कपावा सुथार पासे ले गई, सुथार यानी कि कारपेंटर, तो ये जो बच्चे को जो पूछ थी वो कटाने के लिए वो किसके पास जाती है, कारपेंटर के पास ले जाती है या तो टेलर के पास, तो ये वो जो है वो दर्जी यानी कि टेलर के पास ले जाती है, तो ये आंसर भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। नंबर सिक्स, उंदरीये चार बच्चा ने जन्म आप्यो, ये सही है, वो चार बच्चे को जन्म देते हैं। नंबर सेवन, सरस चौरस कौमुदीना पप्पाए दोरियो, जो सही तरह से स्क्वेयर है वो कौमुदी के पापा है वो बनाते हैं, तो ये भी सही है, तो हम यहाँ पे राइट टिक मार्क करते हैं। नंबर एट, व्यापारी चांदीनी चमची संताड़ी, चांदी यानी कि सिल्वर, तो सिल्वर की कोई भी वहाँ पे चम्मच नहीं थी, वो सोने की चम्मच है वो छुपा देता है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट होता है, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स करने थे। नंबर थ्री, नीचे ना प्रश्न ना उत्तर लखो, यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर। नंबर वन, कौन सा क्वेश्चन है, पप्पाए कौमुदी पासे शू शू मगाव्यू, जब कौमुदी है वो रोने लगती है क्योंकि उससे सही तरह से स्क्वायर नहीं बनता है, तो वो अपने पापा के पास जाती है और पापा उसके पास क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। आंसर लिखिए, पप्पाए कौमुदी पासे कागड़ अने शाहीनो खड़ियो मंगाव्यो, सही तरह से किस तरह से स्क्वायर बनाते हैं वो सिखाने के लिए कौमुदी के जो पापा है वो उसके पास पेपर और इंक पोट दोनों चीज़ें मंगाते हैं। आपको इस तरह से आंसर लिखना है, पप्पाए कौमुदी पासे कागड़ अने शाहीनो खड़ियो मंगाव्यो। नंबर सेकंड देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, सरस चौरस कोने दोरियो, तो सही तरह से जो स्क्वेयर था वो किसने बनाया था, कौमुदी के पापा ने। आंसर लिखिए, कौमुदीना पप्पाए सरस चौरस दोरियो, चौरस यानी कि स्क्वेयर। नंबर थ्री देखते हैं, एक सरोवर में कितनी माछलियों रहती थी। ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया पूछा गया है कि जो लेक था लेक में कितनी फिश रहती थी, तो आंसर आएगा तीन। एक सरोवर में त्रण माछलियों रहती थी, केटली ये जो शब्द है वहाँ पे आपको त्रण लिख देना है, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसमें से ही आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, एक सरोवर में त्रण माछलियों रहती थी, और लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर फोर देखते हैं, श्रीमंत यानी कि पैसे वाला जो व्यापारी था उसने अपने महल में क्या आयोजित किया था, क्वेश्चन कौन सा है, श्रीमंत व्यापारी महल में शानू आयोजन करू, तो आंसर लिखिए, श्रीमंत व्यापारीए पोताना महल में शानदार मिजबानी नू आयोजन करियो, मिजबानी यानी कि पार्टी, वो पार्टी आयोजित करता है। नंबर फाइव में क्वेश्चन दिया है, दिवाली ना दिवसे व्यापारियों शू करे छे, दीपावली के दिन जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पास जो बुक्स होती है बुक्स की वो पूजा करते हैं, तो आंसर लिखिए, दिवाली ना दिवसे व्यापारियों चोपड़ा पूजन करे छे, चोपड़ा यानी कि बुक्स और पूजन यानी कि उसकी पूजा करना, चोपड़ा पूजन, यहाँ पे शू जो शब्द है वो निकाल के वहाँ पे लिखना है चोपड़ा पूजन। नंबर सिक्स, कोठार में शू भरेलू हतो, कोठार यानी कि गोडाउन, गोडाउन में क्या भरा हुआ था, अनाज, कोठार में अनाज भरेलू हतो। नंबर सेवन में है, उंदरडीए कितला बच्चा ने जन्म आप्यो, हमने ट्रू फॉल्स में देखा कि उसने चार बच्चे को जन्म दिया था, तो यहाँ पे ये जो कितला शब्द है वहाँ पे हमें चार लिखना है, तो पूरा आंसर क्या बनता है, उंदरडीए चार बच्चा ने जन्म आप्यो। क्वेश्चन नंबर वन से सेवन तक यहाँ पे कंप्लीट होता है, बातें नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे है क्वेश्चन नंबर एट, उंदर कोनी पासे जे एक एक पूछड़ी कपावतो गयो, वो दर्जी के पास जाता था और अपनी एक एक पूछे कटवा देता था। आंसर लिखे, उंदर दर्जीनी पासे जे एक एक पूछड़ी कपावतो गयो, वो टेलर के पास जाता है, टेलर यानी कि दर्जी। नंबर नाइन, बधी वानगीओ शामा पीरसवामां आवी, यहाँ पे जो मुल्ला नसरुद्दीन वाला हमने चैप्टर सीखा उसमें सारी जो चीज़ें थी पार्टी में, तो वो सारी चीज़ें कौन से बर्तन में पिरोसने आई थी, चांदी यानी कि जो सिल्वर के बर्तन थे उसमें हमें पिरोसने आई थी, बधी वानगीओ चांदीना वासणों में पीरसवामां आवी हती। नंबर टेन, धनतेरसना दिवसे लोग शू करे छे, हमने आगे देखा कि दिवाड़ीना दिवसे जो व्यापारी होते हैं वो चोपड़ा पूजन यानी कि बुक्स की पूजा करते हैं, लेकिन धनतेरस
का जो दिन होता है उस दिन लोग क्या करते हैं? तो आंसर लिखे धनतेरस ना दिवसे लोग लक्ष्मी पूजन करे छे, लक्ष्मी पूजन करे छे। यहाँ पे आपको क्या आंसर लिखना है? लक्ष्मी पूजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन आंसर वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है 1 से 10 तक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, नीचे ना वाक्य कौन बोले छे ते लखो। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए है, वो सेंटेंस आपने चैप्टर में सीख लिए है। वो जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है वो यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट है, अहीं आपणो जीव जोखम मां छे, ये शब्द है वो कौन बोलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लिखने शुरुआत करो तो आपको सबसे पहले लिखना है कि आ वाक्य यानी कि जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो आ वाक्य। बाद में आपको लिखना है कि ये सेंटेंस है वो कौन बोलता है। तो आंसर लिखे हाल मछली बोले छे, आ वाक्य हाल मछली बोले छे। कौन सी मछली बोलती है? हाल नाम की जो मछली थी वो ये ऐसा बोलती है कि यहाँ पे हमारी जान को खतरा है। नंबर 2, जोखम आवशे त्यारे जोयू जशे, ये सेंटेंस कौन सी मछली बोलती है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया है जोयू जशे। जोयू जशे नाम की जो मछली थी वो ऐसा कहती है कि जब जोखम आएगा, जब हमें कोई भी नुकसान होगा, हमें ऐसा लगेगा, तब हम देख लेंगे, अभी हमें कुछ नहीं करना है। आंसर लिखे आ वाक्य जोयू जसे माछली बोले छे। तो हमने 2 का आंसर लिख लिया। आगे देखते हैं नंबर 3, हसे नसीब में हसे ते थसे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ये आपको इसमें भी जो आंसर है वो लिख दिया है क्वेश्चन में, जो थसे माछली है वो इस तरह से कहती है। आंसर लिखे आ वाक्य थशे माछली बोले छे, थशे माछली बोले छे। नंबर 4, मामा मने निशामा बद्धा खींचवे छे, ये जो चूहा होता है वो अपनी माँ से कहता है माँ मने बद्धा निशामा खींचवे छे। आंसर लिखे आ वाक्य सात पूछड़ियों उंदर बोले छे, सात पूछड़ियों उंदर बोले छे। अब लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हूँ चीन थी जादू सीखी लाव्यो छू, ये सेंटेंस बोलते हैं मुल्ला नसरुद्दीन। आंसर लिखे आ वाक्य मुल्ला, यहाँ पे ल और ला दोनों आपको जॉइंट लिखना है, यानी कि ल है वो आपको हाफ लिखना है, मुल्ला नसरुद्दीन बोले छे। द के नीचे आपको इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है कि सेंटेंस कौन बोलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज, प्रश्न 5, नीचे ना आकारों ओळखी तेना नाम लिखो। यहाँ पे आपको 1 से लेके 5 तक कुछ शेप दिए हैं, यानी कि आकार दिए हैं, आकार का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है ये है, यहाँ पे आपको वर्तुल का पिक्चर दिया है, गोल भी आप उसे कह सकते हैं। गुजराती में हमें लिखना है यहाँ पे वर्तुल, या तो आप इसे कहते हैं गोल। नंबर 2, यहाँ पे है लंबगोल यानी कि रेक्टेंगल, तो 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे? लंबगोल, यहाँ पे आंसर आएगा लंबगोल। बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओवल। नंबर 3, ये है लंब चौरस का पिक्चर, हमें यहाँ पे लिखना है लंब चौरस, इसे कहते हैं रेक्टेंगल और इसे कहते हैं ओवल। नंबर 4, यहाँ पे है स्क्वायर का पिक्चर, उसे कहते हैं चौरस। नंबर 5, यहाँ पे है ट्रायंगल का पिक्चर, जिसे कहते हैं गुजराती में त्रिकोण। यहाँ पे आपको सबसे पहले त्री लिखना है, यहाँ पे त्र का इस्तेमाल होगा, त्रिकोण, क्या बनता है यहाँ पे? त्रिकोण। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या सीखा? आकार यानी कि जो शेप दिए हैं उसके आपको नाम लिखने हैं गुजराती में। बच्चों तो आपको अपनी नोटबुक में अभी क्या करना है? रिवीजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने सीखा ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं, और नंबर 3 में क्वेश्चन आंसर है वो अपनी नोटबुक में लिख के कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या सीखा कि जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है वो आपको लिखने थे।
और लास्ट क्वेश्चन हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें शेप दिए हैं और उसके गुजराती में आपको नाम लिखने हैं। उसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये नोटबुक में लिखने हैं और उसको लर्न भी कर देने हैं।